नेपाल क्रिकेट टीम की तरफ से जब अनिल शाह और कुशल भुरतेल बैटिंग करेंगे तो क्या होगा, मतलब आप लोग खुद सोच के देखिए, जब कुशल भुरतेल और अनिल शाह दोनों ओपनिंग बैटिंग के लिए आएंगे थर्ड ओडीआई मैच में कनाडा के अगेंस्ट, तो क्या होगा, मतलब क्या गजब का सीन रहेगा ना। ये जो सवाल है ना, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जितने भी नेपाल क्रिकेट फैंस है वो बातें कर रहे हैं कि अगर थर्ड ओडीआई मैच में आसिफ शेख को ड्रॉप करके कुशल भुरतेल को और अनिल शाह को बैटिंग करने के लिए भेज दिया जाए ओपनिंग पेयर में ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर नेपाल क्रिकेट टीम पहली बैटिंग करती है और अगर पिच स्लो नहीं हुआ, पिच अगर ठीक ठाक रहा, तो रन जो है ना वो 450 के आसपास जाएगी, क्योंकि ओडीआई मैचेस है, 50 ओवर का मैचेस है, 300 बॉल में 450 के आसपास जो स्कोर है वो जाएगी, जिस तरह की विकेट जो है वो सेकेंड ओडीआई मैचेस में थी, जिस तरह के पिच जो है वो सेकेंड ओडीआई मैचेस में था, हाई स्कोरिंग पिच। सेकेंड ओडीआई मैच जिसमें अनिल शाह ने 20 गेंद में मात्र 50 रन मारा था, मात्र 20 गेंद में 50 रन मारा था, वहां अगर कुशल भुरतेल भी साथ में होते तो 40 बॉल में 120 रन हो गया होता, क्योंकि दोनों एक ही इंटेंट के खिलाड़ी है, अनिल शाह और कुशल भुरतेल, दोनों को ये नहीं दिखता कि सामने बॉलर किसका है, इंडिया का बॉलर है, पाकिस्तान का बॉलर है, बांग्लादेश का बॉलर है, श्रीलंका का बॉलर है, इंग्लैंड का बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, कनाडा का बॉलर है, उसको ये नहीं दिखता, और दोनों ही अपना शॉट खेलना जानते हैं, दोनों ही फ्री माइंड से खेलते हैं, और दोनों जो है ना उनको मतलब किसी का डर नहीं है कि भाई इन द अंडर प्रेशर खेलना है, ये करना है, वो करना है, ये मतलब कुछ नहीं, दोनों को बस रन मारने हैं और रन मारते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा स्टार्टिंग में कि क्या होगा जब कुशल भुरतेल और अनिल शाह बैटिंग करने आएंगे ओपनिंग पेयर में, थर्ड ओडीआई मैच चलेगा जिसमें दोनों जो है भयंकर मार रहे हैं। अब देखो, मैं पहले ओडीआई मैचेस की बात करूं जिसमें नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो 8 रन से जीती थी, उसमें ना कुशल भुरतेल का बहुत क्रुशियल इनिंग था, पहले बैटिंग करते हुए कुशल भुरतेल ने 62 रन मारे थे 58 बॉल में, तो वो एक इम्पैक्टफुल पारी थी जो कुशल भुरतेल ने खेली थी, और सेकेंड इनिंग में कुशल भुरतेल जब रेस्ट पे थे तो उनकी कमी पूरा करने के लिए यहाँ पे था अनिल शाह जिसने 20 बॉल में 50 रन मारे। तो अब आप सोचो जब दोनों बैटिंग करने आएंगे तो बहुत, आप कह सकते हो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं कुछ कुछ चीज़ें और कहना चाहूँगा कनाडा को लेके और नेपाल क्रिकेट टीम को लेके, कि देखिए नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो बड़े टीमों के अगेंस्ट कॉम्पीट करने के लायक हो चुके हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लायक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने के लायक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खेलने के लायक है नेपाल क्रिकेट टीम, लेकिन वो छोटी टीमों के अगेंस्ट खेल रहे तो छोटी टीमों का करियर खा रहे हैं, जैसे कि कनाडा का करियर खा रहे हैं, मंगोलिया जैसी टीम का करियर खा रहे हैं, मतलब अपने अगल बगल नहीं आ रहे, दे रहे दबोच के रखा हुआ है सबको, कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें जीतने ही नहीं दूंगा, तुम भले ही आप यहाँ पे कनाडा बड़ी जैसी कंट्री हो, आप यूएसए जैसी बड़ी कंट्री की टीम हो, लेकिन मैं आपको जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि क्रिकेट में ना भाई मैं किंग हूँ, बहुत बड़ा किंग हूँ मैं। तो यहाँ पे अब नेपाल क्रिकेट टीम को जो है वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट कम्पीट करना चाहिए, और जो खिलाड़ी है उनका पोटेंशियल और निकल के आएगा और निखर के आएगा जब ये टीमें जो है, ये प्लेयर्स जो है इंडिया जैसी बड़ी टीम, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम, इन सब जैसी बड़ी टीमों के अगेंस्ट कम्पीट करेगी। और आप लोगों ने देखा भी होगा लास्ट ईयर एशिया कप के अंदर, आप लोग में से अगर क्रिकेट फॉलो करते हो रेगुलरली जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, मैं हर एक टीम का क्रिकेट फॉलो करता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, सारी टीमों का, एशिया की सारी टीमों का, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का भी। तो अगर आप लोग को याद होगा 2023 में एशिया कप के अंदर जब नेपाल की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी तो पाकिस्तान को उन्होंने पानी पिला के रख दिया था, और आप लोग को याद होगा अगर बाबर आजम वो 150 प्लस वाली पारी जो नहीं खेलते, मतलब वो इम्पैक्टफुल पारी बाबर आजम ने खेला था नेपाल के अगेंस्ट, अगर वो पारी नहीं खेलते तो फिर नेपाल क्रिकेट टीम जीती चुकी थी। और सेम चीज़ यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट भी हुआ था जब नेपाल क्रिकेट टीम के ओपनिंग प्लेयर ने मात्र 10 ओवर में 70-80 रन मार दिए थे। तो आप कह सकते हो कि ये जो प्लेयर्स है वो निखर के आएंगे, अगर इन्हें मौका दिया जाता है तो ये वापिस से खेलेंगे, अगर इन्हें खिलवाया जाता है तो ये खेलेंगे, और यही मैं चाहता हूँ कि थर्ड जो मैचेस होने वाला है ओडीआई मैचेस, अब देखो कल यहाँ पे मैचेस है, ठीक है, आज मैचेस नहीं है, कल मैचेस है, कल मैं चाहता हूँ कि आसिफ शेख को बैठा के एक मैचेस में बस नॉर्मल, अब देखो सीरीज तो वैसे भी जीती चुकी है नेपाल, 3 मैचेस का सीरीज था जिसमें 2 मैचेस जीती चुकी है, तो सीरीज पे सील लगा दिया। तो अब यहाँ पे लास्ट मैच में क्या करना चाहिए नेपाल क्रिकेट टीम के जो सिलेक्टर्स हैं, कोचेस हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि अपने प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए, नए नए प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए, जैसे आपको पता होगा देव खनाल जो है
वो भी खेले थे कल सेकंड ओडीआई में, और देव खनाल ने भी बहुत इंपैक्टफुल पारी खेली थी, 80 प्लस रन की पारी उसने खेली रोहित पौडेल के साथ मिलकर। तो ऐसे ही अगर प्लेयर को ट्राई करते हैं तो मेरे हिसाब से कुशल भुरतेल अनिल शाह को लाना चाहिए पहले ओपनिंग बैट्समैन में। आसिफ शेख को आप एक मैच के लिए ड्रॉप कर दो, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर एक मैच के लिए आसिफ शेख ड्रॉप हो जाते हैं। आप यहाँ पे लेके आओ अनिल शाह को, कुशल भुरतेल की ओपनिंग प्लेयर देखो कि वो लोग कैसे खेलते हैं। अगर टॉस जीती है नेपाल क्रिकेट टीम तो पहली बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर विकेट हाई स्कोरिंग हुआ उन पे रन बनाने में काफी मजा आएगा, और जब दोनों बैट्समैन पूरा खुल के बैटिंग करेंगे तो आराम से 150-200 रन की पार्टनरशिप जो है वो लगा देंगे। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीजें हो, और मतलब अगर महादेव ने चाहा तो ये सारी चीजें होगी भी, दोनों बैटिंग करने आएंगे और उसके बाद जो है दोनों बहुत अच्छे स्कोर मारेंगे, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद 3 नंबर पे आप यहाँ पे देव खनाल को उतारो, फिर 4 नंबर पे रोहित पौडेल, 5 नंबर पे आप अपने कुशल मल्ला, 6 नंबर, मतलब इस तरह के जो चीजें हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी दीपेंद्र सिंह एरी है नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि अगर फिर ट्रायंगुलर सीरीज में अगर दीपेंद्र सिंह एरी आ जाते हैं, जहाँ पे इनके मैचेस और भी है नेदरलैंड वगैरह के साथ, तो वहाँ पे अगर आ जाते हैं तो फिर जो चीज़ें हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, और जो खिलाड़ियों ने इस सीरीज में बहुत अच्छा खेला है वो आने वाले सीरीज में भी अच्छा खेलेंगे, तो उन्हें जो चांसेस है वो मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो है वो नेपाल क्रिकेट टीम को थोड़ा सा जो यहाँ पे ट्राई आउट है वो खिलाड़ियों का लेना चाहिए। थर्ड मैचेस में क्या होगा जब कुशल भुरतेल और अनिल शाह जो है बैटिंग करने आएंगे, मतलब दोनों बैटिंग करेंगे तो काफ़ी इम्पैक्टफुल पारी रहेगी, दोनों भी अच्छे अच्छे शॉट्स खेलते हैं, दोनों ही यहाँ पे निडर होके खेलते हैं, दोनों ही किसी भी बॉलर को अच्छे से पछाड़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेपाल क्रिकेट टीम को ट्राई करनी चाहिए, और अगर नेपाल क्रिकेट टीम ये चीज़ें ट्राई करने में सफल हो जाती है तो फिर आने वाले समय में नेपाल क्रिकेट टीम को BCCI या फिर PCB मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कह के एक सीरीज जो है रखनी चाहिए, जिसमें यहाँ पे जो चीज़ें वो क्लियर होकर आएंगी कि हाँ भाई अब ये टीमें भी मतलब कम्पीट कर सकती है। और आने वाले समय में आपको इतना आश्वासन दे रहा हूँ इंडिया की तरफ से, मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया की टीम जो है नेपाल की टीम के साथ खेलेगी, भले इंडिया की A+ टीम खेलने जाए लेकिन खेलेगी और कम्पीट करेगी, क्योंकि 2024 से पहले ही यहाँ पे ये सारी चीज़ों की बातें जो है वो चल रही है इंडिया के अंदर, कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है उनको हम लोग निखारना चाहते हैं, जिसके लिए जो है हम नेपाल क्रिकेट टीम को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे अच्छी अच्छी टीमों के अगेंस्ट खेलवा के। तो यहाँ पे अब ये सीरीज खत्म होने के बाद नेपाल की जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो शायद मेरे हिसाब से इंडिया के साथ में भी हो सकती है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है मेरी सोर्सेज से। तो अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी मज़ेदार रहेगा, मतलब सोचिए ना, एक तरफ नेपाल एक तरफ यहाँ पे इंडिया, या फिर एक तरफ नेपाल एक तरफ पाकिस्तान, मतलब गजब का सीन रहेगा और मज़ा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कल के मैचेस की मैं बात करूँ तो कल थर्ड ODI है जहाँ पे नेपाल क्रिकेट टीम ने ऑलरेडी सीरीज जो है वो जीत ली है, और मैं चाहता हूँ कि कुशल भुरतेल और अनिल शाह जो है वो बैटिंग करने आए, दोनों साथ में खेले, ताकि दोनों साथ में खेलते हुए यहाँ पे ये आश्वासन दिला देंगे कि भैया अब आने वाला कोई भी समय हो हम दोनों को ओपनिंग प्लेयर बन के उतरना है और अच्छे से रन मारना है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि आप लोग मेरे से बेटर जानते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो नेपाली क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को, टीम को, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो नीचे कमेंट में बताएं अपना आप ओपिनियन लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, अपना ओपिनियन जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है वो लाइक कर ले, और इसे सारे नेपाली क्रिकेट फैंस तक शेयर कर दे, ताकि जितने भी फैंस है वो देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।